तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सब लोग ठीक होंगे। हम लोग भी फिलहाल, तो हमारा कंडीशन भी ठीक है, हम लोग भी ठीक है। और मैं फिलहाल आसाम पहुँच चुका हूँ, गुवाहाटी पहुँच चुका हूँ, आसाम गुवाहाटी। लेकिन जो दिल्ली से मेरा सफ़र था गुवाहाटी तक, वो सफ़र आपको दिखाना बाकी है। इसी वीडियो में आपको सब कुछ दिख जाएगा। और ये वीडियो हिंदी में बन रहा है, लेकिन 90% हिंदी है, और लेकिन आपको 5 या 10% आसामीज़ भी मिलेगा। आप लोग सीधा देखिएगा कैसा लगा, बताइएगा वीडियो। मैं नेपाल से क्यों चला आया, मैं पाजी को अकेले छोड़ के क्यों चला आया, वो भी मैं लेता हूँ। अकेले नहीं है, वो जीजा जी अभी भी उनके साथ है, लेकिन मुझे नहीं आना था, मेरा मन नहीं मान रहा था मैं उनको अकेले इस हालत में रुका के आऊँ। लेकिन मुझे आना पड़ा क्योंकि मम्मी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, मुझे फ़ोन आ रहा था, तो मेरा भी मतलब क्या बोले, इधर इधर भी मन लग रहा था, तो उधर भी मन नहीं लग रहा था, इधर भी मन आ रहा था, इसलिए मम्मी का भी हालत थोड़ा सा तबीयत ख़राब था, इसलिए भी आना पड़ा मेरे को। ताकि आप वीडियो ये इंजॉय कीजिए, थोड़ा सा आसामिस में है, बाकी सब हिंदी में है। मैं आ गया था परसों ही, आज ये तीसरा दिन है, तो पूरा वीडियो आप दिल्ली से एंजॉय कीजिए। चलिए मिलते हैं आपको लास्ट में। और मेरे पास एक्सीडेंट का फुटेज वगैरह भी है, वो सब वीडियो मैंने अभी तक नहीं डाला है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कैसे क्या हुआ था नेपाल में, हमारे साथ क्या हुआ, बहुत ज़्यादा स्टोरी है, सब स्टोरी बताएंगे। लेकिन सब कुछ एक बार ठीक हो जाए, पाजी इंडिया पहुँच जाए, उसके बाद फिर धीरे धीरे आपको सब कुछ बताते रहूँगा, फुटेज वगैरह सब कुछ दिखाऊँगा। एक्चुअली क्या है, उस दिन जो मैंने मोटो ब्लॉगिंग किया था सुबह से लेके, हाँ एक्सीडेंट हुआ था 4:30 को 4:30 बजे तक, सब कुछ ब्लॉगिंग किया था, वो सब कुछ फुटेज है। और एक्सीडेंट के टाइम भी जो जो हुआ था सब कुछ फुटेज है मेरे पास, सब कुछ दिखाऊंगा। वो मेमोरी कार्ड मैंने एक्चुअली डाल के रखा है बैग में अपना, तो वो मेमोरी कार्ड का फुटेज मैंने अभी तक चेक ही नहीं किया, क्योंकि मेरा दिल नहीं मान रहा था। वो मेमोरी कार्ड फुटेज देखने को मेरे को डर लग रहा है, मतलब वो जो सीन क्रिएट हुआ था, वो जो सिनारी हुआ था उस समय, वो सब सिनारी अभी भी आग बंद करता हो तो सामने आ जाता है। और जो अगर लाइव फुटेज देखूंगा तो फिर कैसा फील होगा आप समझ सकते हो। तो थोड़ा सा सब कुछ चीज़ें स्टेबल हो जाए तो उसके बाद मैं आराम से आप लोगों के साथ बैठ के सारा स्टोरी टेलिंग करूँगा और फुटेज भी आपको दिखाऊँगा। बस वेट कीजिएगा आप लोग, अभी ब्लॉग इंजॉय कीजिए। थैंक यू। আৰু ইফালে ইয়াত দিল্লীৰ ৰাস্তা বতৰা, মই দিল্লীতে আছোঁ আৰু ৰাস্তাবোৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ হয়, বাট জামো তেনেকুৱাকৈ আল্টিমেট জাম লাগে, ট্ৰাফিক জাম যেতিয়া লাগে, গাড়ী নহিলে একদম ৰখি 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 গৈ থাকে। তেৰি মা কচম, ক'ত কেনেকৈ ব্ৰেক মাৰি দিয়ে ভাইয়া, বহুত চম্ভালকৈ চলানা পৰতা হে না, মানে যোনে যোনে যেনেকৈ তেনেকৈ চলাই দিয়ে, থোড়া আমি জ্ঞান ইদৰ জাম জাম, হ্যাঁ ওই আমি ইদৰ ধ্যান মত দিছেগা, মই তোৰা সব ভিডিও ভিডিও বনা ৰা, মানে ডেঞ্জাৰ ইয়াত আছে, গাড়ী চলাবলৈ মানে ৰিস্কি হৈ যায়। তো যদি আপোনালোকে মোৰ ইয়াৰে আগৰ ভিডিঅ'টো চাইছে তেন্তে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে, মই অলপ আগতে বাইক লৈ কিনে চিধা নেপালৰ পৰা আহি পাইছোঁ ঘৰলৈকে, বাইকখন থৈছোঁ, গা ধুইছোঁ, কিবা অলপমান খাইছোঁ, খাই উঠি কিনে চিধা এতিয়া ওলাই আহিছোঁ আৰু গৈ আছোঁ এয়াৰপৰ্টলৈকে। এয়াৰপৰ্টত যাই কিনে চিধা ফ্লাইট আছে গুৱাহাটীলৈকে, প্ৰায় 25-26 দিনৰ মূৰত আজি ঘৰত গৈ আছোঁ। তো বহুত এটা বেলেগ এক্সাইটমেণ্ট লেভেল, বহুত বেছি আগৰ আগৰ ফিল হৈ আছে। भैया थैंक यू केबर पर नामी गलो आम पा गई एयरपोर्ट इतना एयरपोर्ट भर जब लगे तक आगते बस्तु लग लगे আর এবারে বাহিরত আহিয়ে দেখাবাই গৈছো সারপ্রাইজ, কি খবর? গুরুন্ডা
गुड मॉर्निंग भाई। तो आज हो गया नेक्स्ट डे। कल रात को मैं पहुंचा घर, कल रात को करीबन 1 बज गया था मेरे को पहुंचते, और आज हम लोग निकल के जा रहे हैं। और गोरुंदा करीबन 180 या 200 किलोमीटर होगा लगभग, ढाई सौ किलोमीटर दूर से गोरुंदा सुबह सुबह आए हैं हमारे घर पे। और क्यों आए हैं हम लोग बताते हैं, अभी निकल के जा रहे हैं एक स्पेशल जगह पे, आपको दिखाएंगे सब कुछ बढ़िया से। माँ बाबा, ये ब्लॉग थोड़ा सा आसामी से बन रहा है, थोड़ा सा हिंदी में बन रहा है, तो फिर मिक्स करके थोड़ा सा बना रहा हो। आप लोग देखिएगा कैसा लगा, बताइएगा। पिछला वाला ब्लॉग पे आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, पूरा ब्लॉग का कमेंट सेक्शन में हिंदी 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 भर दिया मतलब, तो मेरे को भी जोर से आ गया आप लोगों का प्यार देख के। तो फिर ये वाला ब्लॉग हिंदी आसामी मिक्स करके कुछ ना कुछ तो बनेगा, आखिर में देखा जाएगा क्या बनता है। चलिए, और हम लोग का घर का लोकेशन कुछ इस तरह सा है, आगे आपको ब्लॉग पे दिखता रहेगा। और जैकेट भी पहन लिया। आसाम का मौसम फिलहाल ऐसा है कि दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो हाफ शर्ट भी चलेगा, पसीना निकल जाता दिन में, और जैसे शाम होता है जैकेट धुलना पड़ता है, ठंड बहुत है। हाँ, तो हम लोग अभी आ रहे हैं, हम गाड़ी में कौन कौन है वो भी दिखा रहे थे पहले। गोरुंदा है इधर, गोरुंदा सीधे कोकराझार से 250 किलोमीटर दूर, आप लोगों को बोला ही था गाड़ी लेके आए, वो अपना गाड़ी, ये गाड़ी गोरुंदा का ही है। और पीछे बैठा हुआ पूजा, क्या हाल है? बहुत गुस्से में आए। एक्चुअली क्या है, हम लोग का आसामीज में ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, हम लोग सारा दिन आसामीज में बात करते हैं दोस्त लोग सब लोग, तो हिंदी जब बोला जाता है ना तो हंसी आ जाता है, वही कारण है कि हिंदी में बात करो। तूता होता हिंदी है, आप लोग को समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। एक्चुअली जो लोग नए हो, तो फिर जो लोग हिंदी में ब्लॉग देख रहे हो, तो फिर उनको पता नहीं होगा, बाकी आसाम के लोगों को तो पता होगा। तो हम पीछे एक पैकेट जिसपे कामोसा रखा हुआ है, दिखा दो एक बार कामोसा, दिखा दो, ये है कामुसा, तो ये यूज होता है आसाम, हाँ आसाम इसका शान। तो हम लोग जिस प्रोग्राम में अभी आए हैं उसी प्रोग्राम के लिए आया है, और प्रोग्राम क्या है वो भी बता देते हैं आपको। अभी आज एक गाना लॉन्च होने वाला है, आसामीज गाना, और वो गाना के लॉन्चिंग के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और गाना किस बारे में वो भी बता देते हैं, हमारा एक दोस्त है विकास छेत्री बोल के, विकास, तो विकास का 1 मिलियन सब्सक्राइबर हाल ही में कम्प्लीट हुआ है, और उसी के लिए एक गाना बनाया गया है, जिस गाने में हम भी थोड़ा बहुत थे अंकीदार। तो उसके बाद वो गाना करीबन 2 महीना लगा रेडी होने में, और बहुत ही बेहतरीन गाना बना है, और उसका आज प्रीमियर है, वो गाना आज लॉन्च होने वाला है। तो आप लोग जो ये ब्लॉग देख रहे हो, जो जो आसाम से हो, वो लोग को तो पता चल जाएगा, यात्रा बोल के गाना है, जो जो आसाम के बाहर से है वो लोग भी देख सकते हैं, यात्रा मारिए भाई। क्या है, तब से हाथ में हाथ देके देख रहा था, एक सेकंड, क्या है भाई, उस तरफ भी आ गया, इस तरफ दे दिया ना भाई, थैंक यू, ठीक है। अभी ट्रैफिक पे रुके हुए, एक्चुअली आगे बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक लगा हुआ है, वही मैं गाने के बारे में बता रहा था, 2 महीने से गाना कंप्लीट हो रहा है, और 2 महीने के बाद फाइनली आज लॉन्च होने वाला है। तो आप लोग यूट्यूब में जाके देखना, यात्रा बोल के, यात्रा मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके देख सकते हो। जो जो आसाम है, जिसको आसामी समझ में आता है उनको तो समझ में भी आ जाएगा, और पूरा अच्छे से देख सकते हो वो लोग, जो जिसको आसामी समझ में नहीं आता वो लोग आप बस वीडियो कैसा हुआ, म्यूजिक कैसा हुआ बता सकते हो। तो जाके एक बार देखना जरूर, यात्रा मैं लिंक दे दूंगा, उसी का लॉन्चिंग का इवेंट अभी होने वाला है इधर। हाँ, ये गामोसा के बारे में थोड़ा सा बोलना भूल गया था मैं, ये गामोसा वो है जो आसाम में किसी को आप बड़े को रिस्पेक्ट दे रहे हो तो गामोसा पहनाते हैं हम लोग, तो गामोसा लाया इसलिए। और ये है यात्रा जो आज लॉन्चिंग होने वाला है, चलिए देखते हैं, लेट्स गो। तो कुछ सूप होने वाला है इसलिए हमने चॉकलेट भी ले लिए थे सेलिब्रेशन, तो जाके गाना तो लॉन्च हो गई, कुछ मीठा हो जाए। ओ खुरा की खबर, बढ़िया, पहुँचने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया, ऑलरेडी प्रोग्राम शुरू हो चुका है, और चलो अभी थोड़ा देर में लॉन्च होगा। विकास का जर्नी मैंने 2 साल से देखा है, ट्रेमेंडस जर्नी है, विकास से 2 साल से स्टडी हुआ हूँ, तो देखा है क्या इसका ये को नहीं एक आंतरिक क्षेत्र हमारा निंदा मितुरा और সকলোৱে विकास আৰু লগতে কিমান বেছি কষ্টৰ ফলত এই গানটো ওলাইছে নিজে মানে কি জড়িত হৈ নাখালে জড়িত দেখা পাই আছিলোঁ আৰু ফাইনেলি এই গানটোৰ লগত আছে ভিডিঅ' মুকলি হৈ আছে বিশেষকৈ ক'ব লগা তেনেকৈ একো নাই বাছ मीठा हो जाए ठीक है सर।
কামিও পাব লাগিব দেই এটা কি আছে এই এই না এটা চকলেট হয় তো তেতিয়া এই গানটো রিলিজ হব তাত এই গানটো পিঠা হৈ পৰে সকলোৰে মনত এটোৰে এটা আৰু আমি বেছি টাইম নহয় নহয় 8 7 6 5 4 3 2 1 boom jatra और ये बेहतरीन गाना जो गाया है वो है नील दा और इधर है नील आकाश दा और यह विकास दा जिसने पूरा जिसके ऊपर पूरा गाना बना हुआ ओ भाई की खबर और ये है हमारा दीपू भैया पॉपुलर यूट्यूबर है दीपू इतना भी नहीं है थोड़ा बहुत भाई अल्टीमेट गाना बहुत बढ़िया भाई और अंदर ही प्रोग्राम चल रहा था तो गाना तो लॉन्च हो चुका है अभी यहाँ पे मैच का तैयारी चल रहा है क्योंकि ये जो जगह है ये गुवाहाटी का शायद ऐसा दूसरा जगह होगा नहीं तो गुवाहाटी के बीचों बीच ये जगह बना हुआ है और इसमें प्लेग्राउंड भी है मतलब बहुत सारा ये क्रिकेट के लिए है और ऊपर बास्केटबॉल के लिए है तो अलग अलग जगह मतलब है इधर बना हुआ तो यहाँ पे सब लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं क्रिकेट का तो अभी खाने खाने का प्रोग्राम है तो खाना रेडी हो चुका है अरे कोई ने खा लिया मेरे पास आखिरी बचा हूँ मैं थोड़ा सा खाया और टेस्ट बढ़िया है मतलब और लाने जा रहा हूँ अभी नेपाल में खाना कैसा था नेपाल में खाना तो बढ़िया था हाँ। लेकिन ये भी ठीक ही है ठीक ही है ना कहीं ये आदत है ना इसका नहीं नहीं ये तो नशा है इसका आदत ज्यादा ज्यादा है कि वो बोला ज्यादा अच्छा था नेपाल का लेकिन मानना पड़ेगा खाना बढ़िया था मतलब बोल रहे थे ये यहाँ के लिए ठीक है वो वहाँ के लिए ठीक है अभी ये बताओ ये आसामीज ब्लॉगिंग छोड़ दिया क्या तुमने आसामीज भी है लेकिन हिंदी भी थोड़ा थोड़ा सब लोग का डिमांड है ना कैसा लग रहा है साहिल कैसा लग रहा है ये देखने में पिंकी बा कैसा लगा गाना बहुत अच्छा ठीक है सुपर से भी ऊपर ओके कैसा लगा हिंदी में ब्लॉग कर रहे हैं बस आज नहीं आज क्या थोड़ा सा आसामी भी मिक्स है आसामी से बोल सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हाँ मिक्स मिक्स क्योंकि हम लोग का हिंदी बहुत खराब है ना इसलिए हाँ प्रैक्टिस बिल्कुल अंकित भैया कैसे हो कैसा गाना कैसा लगा एक वन ना तो हम लोग सब लोग थे जो गाने मतलब गाना जब बन रहा था हम सब लोग थे वहाँ पे उज्जवल भैया आया इमोशन आ गया भाई इमोशन आ गया बस बहुत बढ़िया गाना बना है आप लोग भी देखिएगा ये हम लोग का मैनेजर है सब लोग मैनेज कर रही है अभी हम लोग फोटो खींचने के लिए बुला रहे हैं प्रोडक्शन मैनेजर जा रहे हो क्या चलो एक सेकंड में अच्छा है ना फोन अच्छा है हाँ ही वहाँ है की ओर थैंक यू सो मच हिंदी कम नहीं की हाँ हिंदी 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 बहुत अच्छा लगा हाँ। भाई से मिलके तो आपको कांग्रेचुलेशन फिर से एक बार तो हम लोग फिलहाल तो घर पहुंच चुके हैं थैंक यू अच्छा है कि आप में नहीं लगता लाइट हाँ लाइट आप में लगता अच्छा हाँ 13 में आपका आपके पास भी आईफोन है ना सब अमीर अमीर लोग कोई बात नहीं तो हम लोग बहुत दिन से करीबन 2-3 महीना से इंतजार कर रहा था ये वाला गाना लॉन्च के लिए आज फाइनल हो चुका है आप लोग देखना जरूर कैसा लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और लोकेशन देखिएगा हम लोग का नोटिस का लोकेशन हाँ वो जितना भी आपका गाने का शूट हुआ है सारा नोटिस में ही हुआ है तो फिर वो नोटिस का गाना आएगा असम आप तो भी घूम सकते हो अच्छा अच्छा जगह है तो ये वाला वीडियो यहीं पे एंड करते हैं मिलते हैं किसी अगले वीडियो में तो आप लोग जो नए हैं वो सब्सक्राइब करके जाना सपोर्ट करना बाय 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 बाय
बाय बाय सब लोग बाहर भी अंदर भी है हिंदी में बाय बाय बोलो हिंदी में बाय बाय बोलो ये अल्टी मर लगी मजा मजा एक बेरी से एक बेरी से कि अल्टी में लगी ठीक है सर बाय बाय लोग पैसे होता वीडियो चलो मारो मारो लगाओ लगाओ दरवाजा लगाओ लगाओ चलो अभी हम लोग मतलब गामोसा वगैरह मिला था तो गामोसा वगैरह ले लिया और ये बुक भी मिला था थोड़ा सा प्यार